नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 पॉइंट हम सबका रेडियो मैं अमितेश कुमार अतिथि संकाय योग विभाग रांची विश्वविद्यालय आज का हमारा विषय है जैन दर्शन जैन फिलोसफी यह हमारे योग विभाग के सेमेस्टर फोर की एक यूनिट भारतीय दर्शन एवं मानव चेतना की विषय वस्तु है तो आइए हम जैन दर्शन को देखें जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था उसी समय यहाँ जैन दर्शन भी विकसित हो रहा था दोनों दर्शन छठी शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जाते हैं जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में चौबीस तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे महावीर अंतिम तीर्थंकार हुए थे पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकार थे अन्य तीर्थंकरों के संबंध में इतिहास मौन है तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है जैनों ने तीर्थंकरों को आदरणीय पुरुष कहा है इसके बताए हुए मार्ग पर चलकर मानव बंधन से मुक्त हो सकता है तीर्थंकरों को कभी कभी जीन नाम से संबोधित किया जाता है जिन शब्द जी से बना है जी का अर्थ विजय होता है इसलिए जीन का अर्थ होगा विजय प्राप्ति करने वाला सभी तीर्थंकरों को जीन की संज्ञा से विभूषित किया जाता है क्योंकि उन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है यद्यपि जैन मत के प्रवर्तक चौबीस तीर्थंकर हैं फिर भी जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थंकर महावीर को जाता है सच पूछा जाए तो इन्होंने ही जैन धर्म को पुष्पित एवं पल्लवित किया इसके अभाव में संभवतः जैन मत की रूपरेखा अविकसित रहती जैन मत मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है बुद्ध की तरह महावीर जिनका बचपन का नाम वर्धमान था राजवंश के थे घर बार को त्याग कर बारह वर्ष तक भीषण प्रयास के बाद इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये राग द्वेष पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने के कारण महावीर द ग्रेट स्पिरिचुअल हीरो कहलाए इन्होंने घूम घूम कर जनता को अपने मत का उपदेश दिया इनकी मृत्यु सत्तर वर्ष की आयु में हुई जैनियों के दो संप्रदाय हैं एक को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा जाता है दोनों के कुछ मौलिक विभिन्नताएं भी नहीं बल्कि गौन बातों को लेकर ही विभिन्नता भी है दिगंबरों का विश्वास है कि सन्यासियों को नग्न रहना चाहिए किसी भी वस्तु का संग्रह करना दिगंबर के अनुसार वर्जित है स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिगंबर नहीं मानता है श्वेतांबर में इतनी कट्टरता नहीं पाई जाती वे श्वेत वस्त्र धारण करना अनिवार्य मानते हैं यद्यपि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ फिर भी दोनों दर्शनों में अत्यधिक समरूपता है दोनों दर्शन वेद विरोधी दर्शन है वेद के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए वेद की प्रमाणिकता का खंडन दोनों ने किया है इसलिए जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक दर्शन हेट्रोडॉक्स फिलोसफी कहा जाता है जैन और बौद्ध दर्शन में दूसरी समरूपता है ईश्वर में अविश्वास बौद्ध और जैनियों ने ईश्वर की सत्ता का खंडन कर अनिश्वरवाद अनिश्वरवाद का समर्थन किया है दोनों दर्शनों में तीसरी समरूपता यह है कि दोनों अहिंसा पर अत्यधिक जोर देते हैं इन समानताओं के अतिरिक्त तो दोनों दर्शनों में जो विभिन्नताएं हैं वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता में अविश्वास है यदि आत्मा का अर्थ किसी शाश्वत सत्ता में विश्वास करना है तो बौद्ध दर्शन अनात्मवाद द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ को स्वीकार करता है परंतु जैन दर्शन आत्मा में आस्था रखता है जैनों के मतानुसार आत्मा असंख्य है, है जिसका निवास विश्व की विभिन्न वस्तुओं में है जैन और बौद्ध दर्शनों में दूसरी विभिन्नता जड़ के अस्तित्व को लेकर है बौद्ध दर्शन में जड़ का निषेध हुआ है परंतु जैन दर्शन में इसके विपरीत जड़ की सत्ता को सत्य मानता है जैन दर्शन का साहित्य अत्यंत ही विशाल है आरंभ में जैनों का दार्शनिक साहित्य प्रकृत भाषा में था आगे चलकर जैनों ने संस्कृत को अपनाया जिसके फलस्वरूप जैनों की साहित्य संस्कृत में विकसित हुआ संस्कृत में तत्वाधिगम सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है इस ग्रंथ का आदर जैनों के दोनों संप्रदाय स्वतांबर तथा दिगंबर पूर्ण रूप से करते हैं इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएँ हुई जैन दर्शन का योगदान प्रमाण शास्त्र एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र में द्वितीय है चूंकि प्रमाणशास्त्र जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है इसलिए सर्वप्रथम हम इसके प्रमाण शास्त्र की चर्चा करेंगे जैन दर्शन का प्रमाण शास्त्र जैन दर्शन में ज्ञान के दो भेद किए गए हैं वे हैं अपरोक्ष ज्ञान इमीडिएट नॉलेज और परोक्ष ज्ञान मीडिएट नॉलेज अपरोक्ष ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं अवधि पर्याय तथा केवल ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के होते हैं मति और श्रुत जैनों ने बताया कि जिस ज्ञान को साधारणतः अपरोक्ष माना जाता है वह उपेक्षाकृत अपरोक्ष इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुमान की तुलना में अवश्य अपरोक्ष फिर भी ऐसे ज्ञान को पूर्णतः अपरोक्ष कहना भ्रामक है ऐसे अपरोक्ष ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है मति और श्रुत मति इस ज्ञान को कहते हैं जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त हो और श्रुत उस ज्ञान को कहते हैं जो सुने हुए वचन तथा प्रमाणिक ग्रंथों से प्राप्त हो श्रुत ज्ञान के लिए इंद्रियों का ज्ञान रहना आवश्यक है जैनों के अनुसार मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में दोष की संभावना रह जाती है अपरोक्ष ज्ञान के तीन भेद हमने बताएं अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान का अर्थ है बाधाओं के हट जाने पर वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा मानव अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं का सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों का ज्ञान पा जाता है मन पर्याय ज्ञान राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने के बाद मानव इस ज्ञान के योग्य हो हो जाता है जिसके द्वारा हम दूसरे की मन की बातों को जान सकते हैं और केवल ज्ञान जब सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं तब तो जीव पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है यह ज्ञान मुक्ति के बाद ही प्राप्त होता है मन पर्याय और केवल ज्ञान दोष रहित जब तक हम बंधन की अवस्था में रहते हैं तब तक हमें सीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तो मोक्ष में होती है मोक्ष के पूर्व अर्थात बंधन की अवस्था में जो ज्ञान मिलता है वह आंशिक है इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में ज्ञान दो प्रकार के माने गए हैं पहला है प्रमाण प्रमाण अनेक वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है इसके द्वारा हम अनेक विशिष्ट वस्तुओं को समझते हैं इस सिलसिले में जैनों ने तीन प्रकार के प्रमाण माने हैं वे है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द दूसरा है नय नए पूरी वस्तु को न समझकर केवल उसके अंश को समझना है नए किसी वस्तु को समझने का एक दृष्टिकोण है नए सात प्रकार के होते हैं नैगम नए संग्रह ने, व्यवहार नये सूत्र ने, शब्द ने, ने समाभिरूढ़ ने और एवं भूत ने निगम ने उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के प्रयोजन से संबंधित होता है जो उस क्रिया में अंतर्भूत है यह किसी क्रिया के प्रयोजन से संबंधित है जो उस क्रिया में अंतर्भूत है उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति अग्नि जल बर्तन आदि ले जा रहा है तो वह पूछने पर उत्तर देता है कि मैं भोजन बनाने जा रहा हूँ यहाँ सभी क्रियाओं का एक लक्ष्य है वह है भोजन बनाना संग्रह नय यहाँ सामान्य पर अत्यधिक जोर दिया गया है सामान्य के द्वारा अनेक बातें ज्ञात होती है यदि कहा जाए कि मनुष्य स्थायी है तो वह संग्रह नय का उदाहरण होगा व्यवहार नय यह नए व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण है इसमें वस्तुओं की व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया जाता है अपने भाई के संबंध में यदि मैं कहूँ कि वह फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है तो वह व्यवहार नय कहा जाएगा सूत्र नये इसमें किसी वस्तु के एक क्षण या वर्तमान की प्रकृति पर विचार किया जाता है यह व्यवहार नय से भी संकुचित है इसकी यथार्थता हर काल में नहीं मानी जाती शब्द नय इसके अनुसार प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है एक शब्द के उच्चारण से हमें वस्तु के उन गुणों की याद आ जाती है जिसकी बद्योतक है यद्यपि उन वस्तुओं को नामों से भी संबोधित किया जा सकता है समाभिरूढ़ नय शब्दों को उनकी रूढ़ि के अनुसार पृथक करना आवश्यक है उदाहरण स्वरूप पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ पंख से उत्पन्न परंतु उस शब्द का प्रयोग कमल के लिए होता है एवं भूत नय यह नय समाभि नय से भी संकुचित है इसका संबंध वस्तु के प्रचलित नाम से है यह सभी वर्णित दृष्टिकोण आंशिक हैं इनमें किसी न किसी एक को सत्य मानने से नया भास का दोष होता है जैन के अनुसार न्याय वैश्विक सांख अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन में नया भास को स्थान दिया गया है जैन में नया सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है यह जैन के प्रमाण विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है जैन का स्यादवाद नए सिद्धांत पर ही आधारित है अब हम जैन के अनेकांतवाद एवं स्यादवाद सिद्धांत की अगले व्याख्यान में व्याख्या करेंगे इसके लिए आप इस विषय वस्तु को जानने के लिए आप प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की भारतीय दर्शन की रूपरेखा नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे धन्यवाद